आपका ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे एक FSSAI का एक अप्रूव होलोग्राम रहता है, मतलब था, पहले था, अभी ये नया पैकिंग में वो होलोग्राम मैं कहीं पे भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो जैसे कि एक फूड सप्लीमेंट है, यहाँ पे FSSAI का अप्रूवल होना, जिम जाने से पहले क्या मैं यूजर से दो, क्या जिम स्टार्ट कर रहे, एकदम से जिम स्टार्ट कर रहे, तुरंत ये सप्लीमेंट्स को ले सके, अंदर स्टेरॉयड है। वेलकम टू माय चैनल कोड फिट लैब, मेरा नाम है अभिजीत, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पास है HK Vitals का मसल बिल्डर का सप्लीमेंट्स। तो ये मैं हेल्थ कार्ड से ऑर्डर किया, जस्ट एक दिन हुआ मैंने ऑर्डर किया, और जो बॉक्स है उसको अनबॉक्स करने के बाद मुझे मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। अभी इसके ऊपर ही बात करूँगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है बॉक्स के ऊपर, जो मैं डिस्कस करूँगा ये वीडियो के ऊपर। उसके साथ साथ मेरा जो लास्ट वीडियो था रिव्यू का ये सप्लीमेंट्स के ऊपर, वो वीडियो अगर आप देखे हो तो उसमें बहुत सारा कमेंट है, बहुत सारा क्वेरीज भी है व्यूअर्स का, वो लोग जानना चाहते हैं बहुत कुछ। तो उनमें से कुछ मेजर जो ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आया है, सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और उससे पहले हेल्थ कट के टीम से मुझे कुछ कहना है, ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको रेगुलर बेसिस पे, और मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है ये प्रोडक्ट। और बहुत बहुत सारा अश्वगंधा सफ़ेद मूसली का प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, बट ये बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। बट एक चीज़ आप लोग से मेरा जानना है, मेरा व्यूअर्स को भी जानना है, वो लोग भी मुझे क्वेश्चन किए थे, उसके बाद ही मुझे पता चला। और ये जो नया बॉक्स मेरे पास आया है अभी, इससे मुझे पता चल रहा है कि क्यों वो लोग वो क्वेश्चन मुझे किए थे कि तो क्यों आप लोग वो अप्रूवल को हटा दिया, वो अभी क्यों ये बॉक्स जो है, ये जो बैच नंबर है, ये FSSAI अप्रूव नहीं है, उसको बारे में मुझे जानना है। तो काइंडली आप लोग मुझे एक बार इसका आंसर दीजिए, ताकि मेरा जो व्यूअर्स है उन लोग तक मैं ये पहुँचा सकूँ कि क्यों वो होलोग्राम जो है उसको आप हटा दिया। मेरा इंस्टाग्राम ID है कोड फिट लैब, यहाँ पे जाके प्लीज़ आप एक बार मेंशन कीजिए, या फिर कोई भी कुछ कैसे करके आप लोग के साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे बोलिए, मैं कांटेक्ट करके इसका आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी ये कंज्यूम करता हूँ। अगर FSSAI अप्रूव नहीं रहता है तो डर तो लगता है, क्योंकि बहुत सारा सप्लीमेंट्स कंपनी मार्केट में है, कौन क्या मिला रहा है मुझे भी पता नहीं। तो ये सेफ़ रहना चाहिए, अंदर से हम लोग का जो हेल्थ है वो भी सेफ रहना चाहिए। तो काइंडली आप प्लीज़, आप लोग टीम जो देख रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ ये आंसर दीजिए कि वो जो FSSAI का अप्रूवल जो था वो क्यों हटाया गया। अभी बात करता हूँ कि बॉक्स के ऊपर, ये नया पैकिंग है, एकदम नया पैकिंग है, ग्रीन कलर का कर दिया, पहले वाइट कलर का था, अभी ग्रीन कलर का कर दिया। और ये सील को मैं तोड़ के दिखाता हूँ, प्रोडक्ट जो था आपका, टैबलेट जो था वो एकदम ही सेम है, टैबलेट में कोई चेंजेस ये लोग नहीं किया। अभी क्या है कि जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि ये जो मसल बिल्डर जो सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट्स को जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तब कोई भी ऑल्टरनेटिव दूसरा सप्लीमेंट्स के हम लोग एक साथ यूज़ कर सकता है। तो मैं बात बोल रहा हूँ कि मसल बिल्डर सप्लीमेंट्स आपको यूज़ करना है आपका लंच और डिनर के बाद, लंच के बाद एक टैबलेट्स और डिनर के बाद एक टैबलेट, ये आपका मैंने मसल बिल्डर का बेस टाइम है यूज़ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा है, वो आपको स्ट्रेस हार्मोन को थोड़ा कम करते हैं। तो जब आप रात का डिनर के बाद इसको यूज़ करोगे, वो जो स्लीप जो होगा वो बेटर होगा, और उससे आपका मसल रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। उसके साथ साथ बहुत जन मुझे पूछा है कि मैं L-Arginine यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ जो वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, बहुत सारा सप्लीमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि सप्लीमेंट्स के साथ क्या ये सप्लीमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका अलग, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये कोई अलग से कोई केमिकल इसमें ऐड नहीं किया गया कि आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप कोई भी सप्लीमेंट्स के साथ इसको ऐड कर सकते हो, ये आपका अश्वगंधा सफ़ेद मूसली इसमें डाला हुआ है, जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, बहुत जन सुबह जिम करते हैं, तो सुबह जब जिम करने के लिए जाते हैं, बहुत जन एम्प्टी स्टोमक भी वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, तो एम्प्टी स्टोमक ये कैप्सूल को मत लीजिए, ट्राई कीजिए लंच और डिनर के बाद ही
यूज करना। अगर आप शाम को वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो तो एक घंटा पहले आप इसको यूज कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत एनर्जी फील होगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। बट एम्प्टी स्टोमक ये सप्लीमेंट्स को आप मत लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फीमेल ले सकता है कि नहीं, डेफिनेटली ले सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको रिलैक्स रहना है, आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, आपको फील हो रहा है वो चीज़, तो आप ये सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। उसको छोड़ के भी अगर फीमेल नॉर्मली डेली लाइफ में इसको यूज़ करना चाहते तो डेफिनेटली ये सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, बट एक टैबलेट्स इनफ है फीमेल के लिए, ठीक है। और बिगिनर्स तो मेरा बात है कि आप लोग जब कर रहे हो एकदम से मत लो, पहले एक दो साल तो आपका नेचुरल एबिलिटी तो है, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट होगा ही, आपके पास पावर होगा, उसको आप पहले इंट्रोड्यूस करो, पहले जाके देखो कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ है, आप उसको हिट करो, उससे आप जिम करो। उसके बाद क्या होगा, जब एक दो साल में आपका स्ट्रेंथ वेट कैरी करने का, उसके बाद जिम करने का, वेट लिफ्ट करने का पावर स्ट्रेंथ पूरा बॉडी में आ जाएगा, तब जाके अगर ये सब सप्लीमेंट एडिशनली आप यूज़ करते हो तो आपको अलग से बूस्ट मिलेगा और आप थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए बेटर होगा और आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो एकदम स्टार्टिंग में मैं जिम जिस दिन जा रहे हो उस टाइम से ही ये मैंने मसल बिल्डर को यूज़ करना मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है, आप एक दो साल कर लो उसके बाद ये सप्लीमेंट्स को ऐड करो, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर स्टेरॉयड एकदम से नहीं है, इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पीछे है जो जो डाला हुआ है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, नेचुरली यूज़ कर सकते हो। कितना दिन यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम मैं सबको बोलता हूँ कि कोई भी सप्लीमेंट आप लोग मैक्सिमम 2 से 3 महीना यूज़ करो, उसके बाद 1 महीना एटलीस्ट रेस्ट दो। तो ये सप्लीमेंट्स को भी आप 3 महीना यूज़ करो लगातार, उसके बाद आप 1 महीना रेस्ट दो, फिर लो, फिर 3 महीने यूज़ करो, फिर 1 महीना आप रेस्ट दो। तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि एक जो जार है इसमें 60 कैप्सूल रहता है और इसका 60 कैप्सूल मैं 2 बार करके लेता हूँ दिन में, तो 30 डेज जाएगा। बहुत अच्छा सप्लीमेंट से हेल्थ कार्ड का एच के वाइटल मसल बिल्डर, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सप्लीमेंट यूज़ करके, बहुत पॉजिटिव फील होता है अंदर से, जो मतलब स्ट्रेस रहता है दिन भर का, रात में जब लेता हूँ इंटेक करता हूँ उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो यही था वीडियो, और भी कुछ जानना है आप लोग को, और भी कुछ मन में क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कोडफिट लैब जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर इसमें कमेंट बॉक्स पे भी आप मेंशन कर सकते हो। एक चीज़ आप लोग को बोल रहा हूँ कि इसमें FSSAI का जो मार्क है वो नहीं है, मुझे पता है उसका आंसर तो मुझे मिल जाएगा, बट जैसे ही मुझे मिलता है मैं डेफिनेटली वो आप लोग से शेयर करूँगा कि क्यों वो लोग हटा दिया। बट उसको छोड़ के भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि एच के वाइटल हेल्थ कार्ड का एक बहुत बेहतरीन एक क्वालिटी सप्लीमेंट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, कोई रीज़न से ये लोग इसको हटाया, बट सप्लीमेंट्स का जो क्वालिटी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग नहीं किया, मैं ये आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ कार्ड का जो मसल बिल्डर है इसको छोड़ के भी हेल्थ कार्ड का मल्टीविटामिन ओमेगा 3 ये सब कुछ मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत बेहतरीन है। और कोई भी सप्लीमेंट्स कंपनी नहीं चाहता है कि मार्केट में नाम खराब हो, और जैसे कि हेल्थ कार्ड और एच के वाइटल ये लोग इतना बड़ा कंपनी है मसल ब्लेज ये सब को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये लोग तो ये काम नहीं करेगा, गारंटेड है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि सप्लीमेंट सेफ है, फिर भी मुझे जानना है कि क्यों हटाया, वो मुझे पता चल जैसे ही चलता है तो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो ओनली फॉर आप लोग का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए, बाकी कोई भी रिव्यू आपको देखना है ये सप्लीमेंट्स के ऊपर तो आई बटन पे मैं दे रहा हूँ, वो आई बटन में जाके आप वो रिव्यू चेक कीजिए, आपको सप्लीमेंट्स के बारे में पता चलेगा। और एक चीज़, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो और आगे लेके जाओ। थैंक यू सो मच।